हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार की ओर से बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जाँच की भी निर्देश दिए गए हैं और उनके संज्ञान में आया है कि जिन कार्यों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी उन परियोजनाओं पर कार्य ही नहीं हो रहा है। ऐसे में उनकी ओर से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसी सभी भूमि जो नियम संगत नहीं है और नियम कानून का उल्लंघन कर ली गई है उन जमीनों को राज्य सरकार ने निहित किया जाए और जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक सशक्त भू कानून ला रही है। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के आने वाले रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंतजार करिए, नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। देश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं और निकट भविष्य में हम सख्त भू कानून लेकर आएंगे। आगामी विधानसभा सत्र जो हमारा बजट का होगा तब तक हम सारी बातचीत भी कर रहे हैं और हमारी मुख्य सचिव वो सभी स्टेक होल्डरों से सब लोगों से बात करके उसका प्रारूप तैयार करेंगे और एक सख्त भू कानून लाएंगे। उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी कानून जरूरी होगा उसको हम अमल में लाएंगे। सर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल रिजल्ट आने वाला है, आपने दोनों जगह जाके प्रचार किया लेकिन एग्जिट पोल भाजपा को कहीं ना कहीं पीछे दिखा रहे, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही, आपको किस तरह का अनुमान है? कल नतीजे आएंगे।